पार्टी के सारे वर्कर के तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाला जो कल है 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग एक पद यात्रा निकालेंगे और वो विभिन्न इलाकों से नवादा के सेखो देवरा से शुरू होकर के गया में समापन होगा। और 26 तारीख को जो 26 फरवरी है उस दिन हम लोग समापन सभा गया के गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद है, जैसा कि हम लोग जहां से शुरुआत कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की जो कर्म भूमि है जहां पर वो आकर के रुके थे, टोटल रिवोल्यूशन जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जिस तरह से सोशलिज्म चाहे सब चीज़ को उन्होंने लेके चला था, विनोबा भावे जी के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम किए गरीबों के हित के लिए, तो हमारी पार्टी भी उसी तरह उसी परिकल्पना पर बनी है। हमारी पार्टी का भी नारा है कि सबका इरादा नेको और भारत के गरीबों एक हो। हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जब पार्टी बनाया तो हमारी कोशिश रही है कि हम गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों के बीच में जा करके उनका दुख दर्द सुने। और ये जो यात्रा है, जो गरीब संपर्क यात्रा, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी मोटा मोटी वही है कि हम उन लोगों के पास जाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग के पास आने में कहीं हिचक होती है, उनको कहीं ना कहीं संवादहीनता की समस्या है, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप उनके बीच में जाइएगा नहीं, ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे अपने लोग हैं, तो अपनी दुख दर्द जो उनका जो है वो बोल नहीं पाते हैं। और जाने से हम लोग को उनके बारे में जानकारी होती है, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी होती है। तो हमने यात्रा निकाला है और हमारे जितने भी सारे लोग हैं हम सब मिल करके वहाँ जाएंगे, उनके लिए एक ताकत बनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो भी समस्याएं आएगी, जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आने वाला जब यात्रा ख़त्म होगा तो उसका एक क्यूमुलेटिव पार्ट ले करके हम लोग बैठेंगे, कैसे उसका निदान हो सकता है और बहुत सारा काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको और कैसे हम लोग कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख सकते हैं, हम लोग की भी जो कमेटी है कोर कमेटी के समक्ष रख सकते हैं, आने वाली जो रणनीति है। और इस तरह की यात्रा हम लोग पूरे बिहार में निकालने जा रहे हैं, ये फर्स्ट फेज है जो प्रमंडलीय स्तर पर होगी और यहाँ से शुरुआत करके हम लोग चार से पाँच महीने पूरे बिहार में करके पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सभा करके हम लोग ख़त्म करेंगे। और हम लोग की इच्छा है कि हमारी पार्टी और भी स्थापित हो, हम लोग और मजबूती से रहें, संगठन स्तर पर हम लोग कोशिश करें ताकि गरीब की आवाज़ के लिए जो पार्टी बनी है उसमें हम लोग और मारक तरीके से काम करें, उनका जो उनकी जो दुख दर्द है उसको हम लोग पूरी करें, यही अपनी यात्रा का मुख्य मकसद है। यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे आपके? देखिए, हमारे पार्टी के सभी प्रबुद्ध कार्यकर्ता नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और जो लोकल, जैसे गया हम लोग नवादा जिला में, तो नवादा जिला में जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जितने भी जिले से संबंधित नेता हैं और सब लोग साथ में हम लोग चलेंगे। हम लोग उनके पास गरीबों के पास जाके बैठ के खाना खाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, रूबरू होंगे और इसी तरह से सभी जगह करके हम लोग आगे निकलेंगे, जहानाबाद निकलेंगे, उसके बाद अरवल है, अरवल के बाद गया है। संतोष जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले कहा है, जब उनसे पूछा गया कि जीतन राम मांझी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी है, अपने लोग हैं, वो जो करना चाहे अपना कर सकते हैं, तो इसको कैसे लेते हैं आप? जब मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी नवादा से यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है, अपनी पार्टी वो जो करे, हम अपनी यात्रा में लगे, इसको कैसे लेते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है और अच्छी बात है, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हमारी एक अपना अस्तित्व है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर, और हम जिस उद्देश्य के साथ हैं उस उद्देश्य के साथ मजबूती के साथ हैं। हमारा गठबंधन है, हम लोग महागठबंधन में जिसके नेता अभी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका कहना सही बात है कि पार्टी का अपना आइडेंटिटी होती है, पार्टी अपने हिसाब से काम करता है, हम सरकार के साथ हैं, सरकार का अलग पक्ष है, लेकिन जहाँ तक पार्टी का पक्ष है तो जिस उद्देश्य के साथ हम हैं हमारा उद्देश्य की पूर्ति है और सब लोग अपना काम करता है, लोकतंत्र है, इसमें हम उनकी बातों को बहुत पॉजिटिव तरीके से। तो जैसे समाधान यात्रा निकल रहे हैं वैसे आप यात्रा करेंगे पूरे बिहार में? निश्चित तौर, हम तो आपको बताया कि हम पूरे बिहार में जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, गरीब भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना। शराबबंदी पे स्टैंड आपका क्या? मांझी जी बार बार कह रहे हैं शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो बार बार कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सख्त है शराब को लेकर? देखिए, आप सब भी इस समाज के जागरूक व्यक्ति हैं और आप सब भी कहेंगे कि शराब पीना एक बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, और चाहे वो दहेज का हो, बाल विवाह हो, और सदियों से खास करके गरीबों के लिए, अगर पेरियार की बात करें, महात्मा गांधी जी को पेरियार की
जो धर्म पत्नी थी उनकी बहन थी, सबसे पहली बार उन्होंने 1920 में उनको बोला था कि आप शराब बंदी कीजिए, यहाँ के लोग शराब पी करके बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे उनका जो उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा। उस समय उन्होंने महात्मा गांधी जी को कल्पना आया था और वो काम शराब बंदी किए थे। माननीय नीतीश कुमार बिहार में शराब बंदी किए हैं गरीबों के हित के लिए। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि हम गरीबों की भलाई के लिए जो उनको पढ़ने लिखने में खर्च होना चाहिए उनके बच्चों को, वो उस चीज़ में खर्च कर देते हैं और कहीं ना कहीं जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। तो आप नहीं चाहते हैं गरीब का विकास हो, हम भी चाहते हैं कि उसका विकास हो और अच्छे तरीके से करें, और जो बुराई है सामाजिक बुराई उससे हम लोग दूर रहना चाहिए। दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे शराबबंदी, और भी ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ, इसको हम सब मिल करके उससे हमको दूर रहना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना। शराबबंदी खत्म हो कि नहीं ये हमें हमको ये बताइए। शराबबंदी मांझी जी का, शराबबंदी से शराबबंदी खत्म होना चाहिए। उनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं, खास करके जो इस तरह से पकड़ाए हैं, जेल में हैं, और उन लोगों के साथ सही से न्याय हो, और उन लोग जो बड़े लोग हैं, जो सोर्स हैं, जो इसके पीछे फंड करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना ये है, ऐसा वो भी नहीं चाहेंगे। आज जीतन राम मांझी जी का अस्तित्व है, चाहे संतोष मांझी जी का अस्तित्व है, इसलिए है कि हम जिस समाज से आते हैं और बिहार के जिस कास्ट से आते हैं, वो सबसे ज़्यादा शराब में है। और जहाँ आप देखेंगे कि जो लोग इसमें सेवन करते हैं आज वहीं पर हैं। आज जीतन राम मांझी हैं, इसलिए संतोष मांझी आज है कि शराब का सेवन जीवन भर नहीं किया है, इसलिए आज हम हैं। तो हम और वो हमेशा इसके पक्षधर रहने के, शराब बंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आज भी बहु बेटियां जहां पर इस तरह की बातें होती है, सम्मान के साथ समझौता होता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है गरीबों को, इसलिए हम शराब बंदी का पूर्णतः समर्थन करते हैं और सख्ती से इसे लागू होना चाहिए। सियासी संकट के बीच जो आपका यात्रा शुरू हुआ है, तो इसको इस रूप में लिया जा रहा है कि शायद नीतीश जी की यात्रा को आप कमजोर मान रहे हैं, देखिए राजनीति में आपने जो बात बोली है, अवसर अवसर नहीं होता है। आपकी भागीदारी कितनी है, आप जनता के बीच में कितना रहते हैं, जितना आप जनता के बीच में रहेंगे, जितना आप दिखेंगे, उतना ही जनता आपको आशीर्वाद देगी, उतना ही आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपकी पार्टी का आकार बढ़ेगा। ये नहीं है कि वो कमजोर हो रहे हैं, और मजबूत, उनकी और मजबूती देने के लिए हमारा दूसरे तरह का, उनका उनका यात्रा का अपना स्वरूप है, हमारी पार्टी की यात्रा का अपना स्वरूप है, इसलिए उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कृपया कर करके उससे कहीं तुलना नहीं किया जाए। हम लोग अपने पक्ष रखने के लिए, जनता के बीच में मजबूती से जाने के लिए ये बात कर रहे हैं, और हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, गरीबों को सबल करना चाहते हैं, ताकि इस समाज की मुख्यधारा में उनकी भी भूमिका। सर सवाल है कि कहीं ना कहीं बिहार के सीएम जब निकाले समाधान यात्रा, तो विपक्ष लगातार हमला थे, तो क्या आप उस विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपने गरीब यात्रा निकाल रहे? देखिए इसमें कोई विपक्ष का पक्ष की बात नहीं है, पर बात है कि पार्टी ने सोचा है, पार्टी ने गरीबों के बीच में जाने का काम सोच रखा है कि हम गरीब के बीच में जाएंगे। इससे किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष नहीं होता है। हम तो निश्चित तौर पर सरकार में हैं, तो विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। और यात्रा तो इसकी बहुत लंबी कहानी है। अब जब तक उनके बीच में नहीं जाइएगा, जनता के बीच में नहीं जाइएगा, तो कैसे विश्वास आप पर करेगा? जब तक आप विश्वास नहीं जीतिएगा जनता के, तो ड्राइंग रूम में रह करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं आप। तो उनके बीच में तो जाना ही होगा। जो लोग आज नेता जो भी स्थापित हैं, जनता के साथ रहे हैं, जनता के साथ उनके समस्याओं के साथ जूझे हैं, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, वही आज स्थापित नेता हैं। इसलिए आपको अगर सार्वजनिक जीवन में आप आए हैं और आप पार्टी बनाए हैं, तो एक ही मकसद होता है कि गरीबों को हम कैसे सेवा करें। तो उनके बीच में तो जाना ही होगा। अब दूर बैठ करके आप उनकी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जब तक उनके साथ आप जिएगा नहीं, उनकी समस्याओं के साथ नहीं जिएगा, उनका भावना के साथ नहीं रहिएगा, जब तक आप उनका समाधान नहीं कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग लेट से ही सही काम किए हैं और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग और अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो हमारा जो संगठन है, मजबूत हो, और हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाए हैं, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम देने की कोशिश।